हेडलाइट वगैरह देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त एलईडी हेडलाइट अब इसमें आप लोगों को मिल जाती है, जिसमें काफ़ी शानदार उजाला मिलता है। बाकी एक क्रोम जो दिया है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त लगता है। ट्रांसमीटर में ऊपर जो है बटन दिया हुआ है, ये बटन दिया हुआ है आउटपुट का, इसको जो है ट्रैक्टर आप ऊपर इकोनॉमी स्टैंडर्ड उस पर ऊपर ही बैठे बैठे जो है इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब किसान को अगर ज़्यादा लोड पर चलाना तो स्टैंडर्ड पर रखे, और कम लोड पर चलाना है तो इको पर रखो, इकोनॉमी में डीजल बचाएगा। साइड गियर के साथ में ट्रैक्टर है भाइयों, ABCD गियर के साथ में। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आज की फिर से एक और नई वीडियो के साथ में। तो भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं जॉन डियर की तरफ से आने वाले 5310 जो न्यू लॉन्च ट्रैक्टर है, और ये ट्रैक्टर भाई जो CRDI के साथ में आया है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा और भी बदलाव हुए हैं, वो भी आज की इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी शानदार आज की वीडियो होने वाली है। तो भाइयों, सबसे पहले आप लोगों को ट्रैक्टर का ओवरऑल लुक दिखा देते हैं, उसके बाद में भाई साहब से भी ट्रैक्टर के फीचर्स के बारे में भी जानकारी लेंगे। तो भाइयों, जॉन डियर है 5310 पावर ट्रैक और गियर प्रो के साथ, VN गियर प्रो। साइड गियर के साथ में ट्रैक्टर है भाइयों, ABCD गियर के साथ में। अब भाइयों, लुक आप लोग देख लीजिएगा, काफ़ी शानदार भाइयों ज़बरदस्त लुक के साथ में कंपनी ने ये ट्रैक्टर निकाला है। बाकी हेडलाइट वगैरह देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त LED हेडलाइट अब इसमें आप लोगों को मिल जाती है, जिसमें काफ़ी शानदार उजाला मिलता है। बाकी एक क्रोम जो दिया है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त लगता है। सामने की तरफ यहाँ पर इसका लोगो दिया गया है जॉन डियर का, और बोनट खोलने के लिए यहाँ पर लॉक वगैरह दी गई है। इस साइड से भी भाइयों देख लो, कुछ इस प्रकार से ट्रैक्टर का लुक है। तो सबसे पहले आप लोगों को इस ट्रैक्टर का बोनट खोल के इंजन वगैरह दिखाते हैं, इंजन की जो टेक्नोलॉजी नई है वो बताएंगे, इसमें क्या कुछ बदलाव हुआ है। तो भाई साहब, जरा इसका बोनट वगैरह खोलिए। तो भाइयों, आप लोगों को इस ट्रैक्टर का बोनट खोल के दिखाते हैं। तो लॉक से इसका बोनट खुल जाता है, और ये पहुँच गया ऊपर। सामने से हमारे साथ में सेल्समैन मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। सामने से जो किसान भाई आपको देख रहे हैं उनको अपना परिचय करवाइए, और अपनी जो ये फर्म है, एजेंसी इसके बारे में बताइए। मैं अनुपम मिश्रा, अच्छा, सेल्समैन हूँ, KK ट्रैक्टर सीतापुर हरदोई चुंगी। अच्छा अच्छा, तो ये जो ट्रैक्टर अपना जॉन डियर का 5310 गियर प्रो आया है CRDI के साथ में, तो इसमें क्या कुछ बदलाव हुआ है पुराने वाले ट्रैक्टर से, वो हमें बताइए हमारे किसान भाइयों को। इसमें जो है आपको एयर टाइप फिल्टर मिला है, जिसको जो है आप काम करते हैं, काम करते समय जो है आप काम अपना सब निपटाने के बाद जब ट्रैक्टर आप खड़ा करते हैं, तो आप अपने आप आसानी से बगैर मैकेनिक के इस फिल्टर को खोल के और साफ़ कर देंगे, तो इसमें धूल कचरा जितना जो कुछ होता है वो सब निकल जाएगा, और ये फिल्टर को फिर से लगा देंगे चौक सेंसर के साथ में। हाँ, चौक सेंसर के साथ में, मतलब इंडिकेटर में लाइट मालूम होगी। पूरे ट्रैक्टर में आपको जो है 16 से 18 जो है सेंसर मिलेंगे। अच्छा अच्छा, जो कि जो है आपको मीटर में ही जो है इंडिकेट करेंगे किसी प्रकार की ट्रैक्टर के अंदर कमी आती है, वो आपको इंडिकेट करेगा मीटर कि आपके ट्रैक्टर में ये कमी आ रही है। आप अपनी डीलरशिप पे जो है मैकेनिक को या मैनेजर को फोन करके वहीं से किसान जान जाएगा जी, बिल्कुल वहीं से जान जाएगा। अच्छा, एक चीज़ ये देख रहे हैं इसमें, ये कौन सी चीज़ लगी है जो सामने लगी है रेडिएटर के? ये एयर फिल्टर है एयर का, ये हवा, ये हाँ ये एयर का ही, ये भी हाँ, है हाँ, ये भी एयर का ही है। ये जो है रेडिएटर आपका, जैसे धूल मिट्टी हो, ये कचरा सामने लगा, ये भी एयर वाली पाइप। हाँ, एयर वाली है, टर्बो के लिए है। हाँ, टर्बो के साथ में ट्रैक्टर है। हाँ, टर्बो के साथ कनेक्ट है ये जो है। आपको रेडिएटर अगर गंदा हो जाता है उस स्थिति में जो है ट्रैक्टर को हीट नहीं करने देता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये चीज़ें भी काफ़ी बड़ी टेक्नोलॉजी है। ये कूलेंट बॉक्स लगा हुआ है। अच्छा अच्छा, तो बाकी ये तो अपना जैसे एग्जास्ट वगैरह दिया गया है। हाँ, ये साइलेंसर का है, और CRDI पंप अपनी ये है, देखो जो इसमें दी गई है CRDI पंप जी। CRDI का पूरा मतलब इसमें मेन खेल जो है बदलाव हुआ है। हाँ, बदलाव हुआ है ये CRDI से, मतलब इसका एवरेज वगैरह भी बदला होगा, डीजल फिल्टर वगैरह भी, ये इसमें डीजल वगैरह सब जो है सेंसर दिया हुआ है सब जो है। इसका क्या मतलब है? ये जो है छना हुआ बिल्कुल फ्रेश जो है डीजल अंदर पहुँचाता है। अच्छा, एक बार जैसे बताइए, जैसे जो CRDI में किया था उसके एवरेज में भी कुछ फर्क वगैरह है? हाँ, एवरेज में भी फर्क है, पहले वाले ट्रैक्टर से कम जो है 1 से 1.5 लीटर कम। तो ये जो ट्रैक्टर है अपना कितने हार्स पावर के साथ में है? ये 57 HP का ट्रैक्टर, 57 HP। पहले आता था 55, पहले 55 HP का आता था। अच्छा अच्छा, तो एक चीज़ और से बताइए सर, इसके गियर बॉक्स वगैरह जो है, ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन में कितने गियर टोटल मिलेंगे इसमें? 12-4 का गियर बॉक्स है। अच्छा, ABCD इस साइड में मिलेगा? ABCD एक साइड में, और वो चार गियर उधर होंगे, चार उधर होंगे, तीन है, चार हैं उधर। अच्छा, तो आप लोगों को दिखा देते हैं, ये है भाइयों ABCD गियर, और इधर है चार गियर, आप लोग देख सकते हैं। तो कुल मिला के 16 गियर मिलेंगे, 12 प्लस 4 के।
और इसके अलावा जो इधर भी लीवर दिए गए हैं इनके बारे में बताइए। एक तो हो गया अपना ये इंडिपेंडेंट पीटीओ वाला, इसमें रिवर्स पीटीओ आपका लगा हुआ है, न्यूटन और 540, हां दोनों जो है इसमें मिलेंगे आपको। अच्छा, बाकी बोतल वाला होल्डर वगैरह यहीं पे दिया गया है। सीट वाला सीट एडजस्टेबल है, अन्य ट्रैक्टरों में जो है एडजस्टेबल सीट बिल्कुल सीधी होती है, हमारे में ऊपर की तरफ जाती है जिसमें घुटने वगैरह आपके जो है बिल्कुल सुरक्षित रहे। हाँ, आदमी अगर पीछे का सीट बढ़ाएगा तो ऊंची हो जाएगी। हाँ, ट्रैक्टर पे आप जो है चाहे जितने समय तक काम करें ट्रैक्टर जो है आपको थकावट नहीं महसूस करने देगा। अच्छा, सस्पेंडर क्लच और ब्रेक इसमें है? हाँ, ब्रेक है, ऊपर वाला इसमें लीवर दिया हुआ है, अन्य कंपनियों के ट्रैक्टर में पट वाला लीवर दिया हुआ है, चलाने में आसान है, चलाने में क्लच वगैरह ब्रेक वगैरह लगाने में कोई दिक्कत नहीं महसूस होगी। इसमें ट्रांसमीटर में ऊपर जो है बटन दिया हुआ है, ये बटन दिया हुआ है आउटपुट का, इसको जो है ट्रैक्टर आप ऊपर इकोनॉमी स्टैंडर्ड, हाँ उस पर ऊपर ही बैठे बैठे जो है इसको एडजस्ट कर सकते। अच्छा, मतलब किसान को अगर ज़्यादा लोड पर चलाना तो स्टैंडर्ड पर रखे, कम लोड पर चलाना है तो इको पर रखो, इकोनॉमी में डीजल बचाएगा। जी डीजल, तो वहाँ का जो 57 HP का ट्रैक्टर है इकोनॉमी पर कर दोगे तो 45 के लगभग आएगा। हाँ बिल्कुल, ये चीज़ है। तो CRDI का जो मेन फायदा यही है कि डीजल की बचत हो जाएगी थोड़ी बहुत, डीजल की बचत है, ट्रैक्टर का मेंटेनेंस कम है। अच्छा अच्छा, और जैसे पीछे से अगर देखें तो पीछे से हमें क्या क्या फीचर मिलते हैं? शाफ्ट वगैरह ये सब प्लेट अलग से दी हुई है। इस प्लेट का क्या फायदा है? इस प्लेट का ये फायदा है कि कभी भी शाफ्ट वगैरह जो है आपकी जो है नुकसान नहीं करेगी। अच्छा अच्छा, ये जो है लीकेज वगैरह ये सब जो है ये शाफ्ट धूल मिट्टी हो किसी प्रकार के कण जो है शाफ्ट के अंदर पहुँचने नहीं देगी। डबल डिस्ट्रीब्यूटर है। अच्छा, आप इससे अपना ट्रॉली का भी काम कर सकते हैं, साथ में किसी प्रकार का कोई भी दूसरा इम्प्लीमेंट है उसका, जैसे लेजर लेवलर है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, और जो डीजल टैंक दिया, डीजल टैंक दिया हुआ है कितने लीटर का होगा लगभग? डीजल टैंक इसका होता है 60 लीटर, 60 लीटर का। ये सेंसर दिया हुआ है डीजल टैंक के ऊपर, इस ये जो है आपको इसमें पानी चला जाता है या कचरा चला जाता है टंकी में तो ये सेंसर आपको जो है इंडिकेट करेगा कि आपकी टंकी में जो है डीजल गड़बड़ जा रहा है, इसको आप जो है परख। बिल्कुल बिल्कुल, एक बात इसे और बताइए, जैसे पिछला हिस्सा इसका देख रहे हैं तो इसमें जो गियर प्रो है तो गियर प्रो का क्या मतलब है? गियर प्रो का साइक्लिक रिएक्शन है। हाँ, गियर प्रो का मतलब ये है कि जो है गियर प्रो का मतलब ये है कि आपको जो है गियर जो इसमें दिए हुए हैं उसमें जो है टूट फूट या इस तरीके का किसी प्रकार का कोई वो नहीं, अन्य कंपनियों में गियर जो आपके पड़ते हैं वो जो है गियर एक दूसरे के गियर पे गिरते हैं। अच्छा, लेकिन हमारे ट्रैक्टर में जो है जो भी गियर होगा उसमें जो है छल्ला चलता है, एक शाफ्ट पड़ी होती है। हाँ, शाफ्ट पड़ी होती है। बाकी EPI होगा पिछला हिस्सा था। हाँ, पिछला हिस्सा। और ये ब्रेक का भी इसमें है, ब्रेक लेदर हमारे जो है आपके गियर बक्से में परमानेंट डूबे होते हैं, जिसमें अलग से हाउसिंग नहीं दी होती है अन्य कंपनियों के ट्रैक्टर में। स्प्रे हुआ करती है, स्प्रे होती है मोबिल की? नहीं, तेल में इसमें, इसमें हाउसिंग कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगी। गियर बक्से जो ब्रेक आपके होते हैं वो परमानेंट गियर बक्से की हाउसिंग में डूबे होते हैं, मतलब पूरे तेल में डूबे नहीं होते। जो सेंसर आगे लगे हुए हैं, अन्य ट्रैक्टर जैसे होते हैं जो जिनमें ब्रेक है उनमें उसमें स्प्रे होती है, उसमें अलग से हाउसिंग दी होती है जिसमें आपको मोबिल डालना पड़ता है। बिल्कुल, मोबिल उसमें अगर नहीं रहता है तो वो ब्रेक आपके खराब होते हैं, जल्दी खराब होते हैं। बाकी इंडिकेटर वगैरह काफ़ी बड़े दिए गए हैं, इंडिकेटर लाइट है, डिग्गी दी हुई है सामने। अच्छा, जैसे एक चीज़ और बताया, टायर वगैरह इसमें कितने साइज के दिए गए हैं? इसमें 16x28 के, 16x28 के। ठीक, एक बजे से और बताइए, इसमें कुछ इंजन वजह से कहा जाता है स्प्रे जेट, इसमें क्या मतलब है? स्प्रे जेट क्या होता है? इसमें जो है जो आपका इंजन लगा हुआ है इसमें हर जगह हर पॉइंट पे जो है जेट लगे हुए हैं, जो एक पाइप नली पड़ी होती है तो टंकी जो है टंकी के अंदर जो है जो भी मोबिल आपके भरा हुआ है वो जब ट्रैक्टर आपका सीधे कभी कभी ऊपर उठ जाता है, ऊंचाई पे उठता है तो मोबिल एक तरफ बढ़ के आ जाता है, जैसे ऊपर उठा कहीं चला ट्रैक्टर तो मोबिल एक तरफ पंप नहीं, एक तरफ मोबिल आ गया तो उस स्थिति में जो है आपके इंजन में कोई भी पार्ट होगा उस पर परमानेंट वो जेट जो है मोबिल का छिड़काव करते रहेंगे, कोई भी पार्ट आपका सूखा नहीं चलेगा। हाँ, यही कुछ रीजन है छोटे छोटे जिस कारण मतलब ट्रैक्टर की जो मजबूती बढ़ जाती है, ट्रैक्टर हीट नहीं करेगा, हीटिंग की कोई समस्या गाड़ी के अंदर नहीं होगी। अच्छा अच्छा, हर समय जो है आपको ट्रैक्टर इंडिकेट करता रहेगा, ये बैटरी जो है आपकी जो है बोनट के अंदर रहेगी हमेशा। हाँ, मतलब कोई दिक्कत नहीं चोरी चलारी कहीं पे खड़ा कर दो ये इस तरीके से जो है जब तक आप खुद बोनट नहीं खोलेंगे तब तक कोई भी जो है बाहरी आदमी आके इसको नहीं खोल सकता। अच्छा अच्छा, जो इसमें पावर स्टीयरिंग सिंगल एक्टिंग दी गई है? पावर स्टीयरिंग जो है आपको सिंगल सिलेंडर जो है दिया हुआ है दोनों तरफ जो है, इसमें जो है पावर स्टीयरिंग में टूट फूट का खतरा आपको कम रहता है।
अच्छा, ये चीज़ से तो सेल्फ वगैरह दिया गया है। ये सर, ये पावर स्टीयरिंग, ये पावर स्टीयरिंग और लिफ्ट की पंप। बाकी ये जो इंडिकेटर वगैरह यहाँ से इससे चलेगा, ये हैंड रेस दी गई है, वो सब आपके बोनट से ना होके सीधे जो है आपके हाथ में ही है। इसमें हॉर्न आपको मिलेगा, बैक लाइट मिलेगी, फ्रंट लाइट मिलेगी, एक्सीलेटर हाथ का जो है, और ये पैर वाला, पैर वाला, ये जो दिया डिफरेंशियल लॉक दी गई है। ये स्पेशल लॉक, इससे जो है ये गियर जब आप डालेंगे तो आपके पिछले पहियों में जो है बराबर की ताकत एक साथ रहेगी। मतलब कभी कभी ट्रैक्टर फंस जाता है, तब कभी ट्रैक्टर आपका अगर फंसता है, एक पहिया स्लिप है, एक चल रहा है, तब ये चल रहा है, उस स्थिति में आप गियर डालेंगे, ये आपका जो है इस पर भी काम करेगा। डिफरेंशियल इसमें आता है, बाकी नए ट्रैक्टर इस समय बहुत ट्रैक्टरों में नहीं आ रहे हैं, कंपनियों में नहीं आता है, बहुत ही कम कंपनियों में डिफरेंशियल लॉक मिलती है। बाकी चलो इसका बोनट वगैरह बंद कर देते हैं। भाइयों आप लोग देख सकते हैं, केवल सिंपल से दबाने पर ही इसका बोनट बंद हो जाता है आराम से। बाकी काफ़ी शानदार मजबूत ट्रैक्टर कंपनी ने बनाया है, तो सामने आ जाइए इधर एक बार। तो भाई साहब, हमारे जो किसान भाइयों को आज आपने ये जॉन डियर का 53-10 ट्रैक्टर दिखाया, पावर टेक गियर प्रो के साथ में, टू व्हील ड्राइव के साथ में, ये 57 HP का ट्रैक्टर जो है, अच्छा अच्छा, आपको बहुत अच्छा ही काम करता है। अच्छा, अन्य कंपनियों की अपेक्षा आप 60 से 65 HP के ट्रैक्टर जो है अगर यूज करते हैं, तो उसमें जो है आपका 57 HP ट्रैक्टर जॉन डियर का जो है, बड़े जो इम्प्लीमेंट जैसे आज के समय चल रहे हैं सर, सुपर सीटर वगैरह हो गया, एक्स्ट्रा रिपर वगैरह हो गया, रिपर है, इस पर कामयाब रहेगा, बिल्कुल 100% कामयाब है, उसमें कहीं पे भी जो है किसान को सोचने की जरूरत। अच्छा, जैसे अब जैसे लास्ट में बात कर लेते हैं कीमत वगैरह की, तो अपने यहाँ लगभग किस कीमत रेंज में किसान भाइयों को उपलब्ध रहेगा? ये कीमत आपकी इस समय 11.25 लाख रुपये है। अच्छा ठीक ठीक, बाकी जब यहाँ पे आएंगे थोड़ा बहुत जो ऑन टेबल कुछ होगा, हाँ वो जो है जब आदमी बैठता तो उसमें तो थोड़ा बहुत ठीक ठीक ठीक। तो भाई, तो भाइयों ट्रैक्टर काफ़ी शानदार कंपनी ने बनाया, बहुत ही ज़बरदस्त है, और लुक वगैरह भी बढ़िया है, फीचर भी काफ़ी अच्छे दिए गए हैं, बाकी मजबूती में भी भाइयों एक नंबर ट्रैक्टर है ये जॉन डियर का 53-10। तो इसके बाद में थोड़ा सा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन प्लेट वगैरह दिखा देते हैं, P2HP वगैरह, तो SFC आप लोग देख लो, 255 इसकी दी गई है, जो कि काफ़ी कम है, जिसका ट्रैक्टर का डीजल खर्चा सही रहेगा, और 37 kW की इसकी PTO पावर है, जो कि 51 HP की है, तो काफ़ी शानदार PTO पावर आप लोगों को मिल जाती है 51 HP की। तो भाइयों इस कीमत रेंज में 11.25 लाख रुपए की रेंज में आप लोगों को जॉन डियर का 53-10 ये जो CRDI के साथ में ट्रैक्टर आता है, कैसा लगा जरूर बताना। तो किसान भाइयों आज हम आए हुए थे सीतापुर में KK ट्रैक्टर्स, जो कि हरदोई चंगी पे भाइयों पड़ता है, और जॉन डियर की भाइयों एजेंसी है यहाँ पे। तो ट्रैक्टर के बारे में और भी अधिक अगर आप लोग जानकारी चाहते हैं तो यहाँ शोरूम पे आके भाइयों देख सकते हैं, और ट्रैक्टर की टेस्ट ड्राइव वगैरह ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना।